तेरी उंगली थाम के मेरा बचपन है चला, कहूँ मैं और क्या, माँ तेरा शुक्रिया, मेरा हर पल हर लम्हा तेरे आंचल में पला, कहूँ मैं और क्या, माँ तेरा शुक्रिया। आगाज़ है मालिक दो जहां के नाम से और सलामती हो ज़वाते मुकद्दसा पर। मैं हूं आपका मेज़बान आगा शिराजी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन होम की स्क्रीन पर वो प्रोग्राम जो माँ तुझे सलाम के उनवान से हमने खुसूसी तौर पर तैयार किया। और इस वक्त हम मौजूद हैं लकी वन मॉल में और ये एक बहुत बड़ा मॉल है और एक बहुत अच्छी ऑडियंस हमारे साथ मौजूद है। ऑडियंस आप मौजूद हैं हमारे साथ, ये बात लबों पे उसकी कभी बददुआ नहीं होती, लबों पे उसके कभी बददुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। जी फजल हजरात, हम इस वक्त आपके लिए लेकर आए हैं कुछ गिफ्ट हैम्पर्स। स्क्रीन पर हमारे दोस्त हमें देख रहे हैं, वो नाजरीन भी देख रहे हैं, हाजरीन भी यहाँ मौजूद हैं और गिफ्ट हैम्पर्स हैं उनके लिए जो यहाँ मौजूद हैं अपनी अपनी माओ से मोहब्बत के लिए। दुनिया में इंटरनेशनल मदर्स डे मनाया जा रहा है लेकिन हम पाकिस्तान टेलीविजन की इस स्क्रीन के साथ ये बताना चाहते हैं कि माँ का एक दिन मखसूस करना शायद दुनिया की रिवायत होगी। हमारी रिवायत ये है कि साल के 365 दिन हमारी माओ के लिए है। क्या कहते हैं आप? तो माओ के लिए मोहब्बत और एक वो अपने एहसास का जज्बा लिए यहाँ जो लोग मौजूद हैं, मैं सबसे पहले चाहूँगा कि कुछ लोगों को यहाँ बुला लूँ। बहुत सारे चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं लेकिन मैं यहाँ से बताता चला जाता हूँ कि कौन कौन मेरे पास आ जाए। जी आप आ जाइए और उसके बाद मैं चाहूँगा कि कौन आ जाए, आप आ जाइए और जी हाँ आप भी आ जाइए। कोई ऐसी माँ जिसकी गोद में बच्चा हो और बहुत प्यारा सा बच्चा हो, आप आ जाइए। पाकिस्तान टेलीविजन कराची सेंटर की पेशकश एक बहुत बड़ी मेगा 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 ट्रांसमिशन जो सहर अफ्तार में होने जा रही है कराची सेंटर से, जिसमें बहुत सारे होंगे इनामात और उन इनामात के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज से जिनसे आप मिलना चाहते हैं, यानी एहसन खान जैसे जुगन कासिम और जुनेद इकबाल। और ये खासदार आगा शिराजी भी आपके साथ होगा। आप देखेंगे पाकिस्तान टेलीविजन से एक ऐसी मेगा ट्रांसमिशन। आप तमाम हाजरीन के लिए भी और नाजरीन के लिए भी बताता चलूं कि अगर आप चाहें कि उस मेगा ट्रांसमिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन पर हमने नंबर दे रखा है, वहाँ से आप कॉल करके फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी कीमत के पासिस ले सकते हैं। शहर में भी हमें ऑडियंस चाहिए और अफ्तार में भी चाहिए, तो आप वेलकम करते हैं हम आपको। लेकिन नंबर मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ, पहले अपने मोबाइल निकाल लीजिए, मैं आपको नंबर बता रहा हूँ 0219-230-565, यानी 0219-230-565। अस्सलाम वालेकुम जी, नाम क्या है? उरूसा। उरूसा ये जो आपके साथ है इसका नाम क्या है? मोहिम। ये आपका एक बच्चा है? जब आप माँ बनी तो अपनी माँ के लिए कैसी कैफियत है आपके? यही मुझे फील हुआ माँ बनने के बाद कि बहुत मेहनत लगती है एक बच्चे को पालने में, उसको बड़ा करने में, उसको हर चीज़ सिखाने में, हर चीज़ के आप जिम्मेदार होते हैं। क्या बात है, बिल्कुल आप दूसरा गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए, आपके साथ जाएगा। क्या नाम है आपका? सूबिया। क्या कहेंगी अपनी माँ के लिए आज? माँ तुझे सलाम पाकिस्तान टेलीविजन का खसूसी प्रोग्राम जिसमें हम मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं अपनी माँ के लिए, क्या कहेंगी आप? मैं अपनी माँ से ये कहूँगी कि अभी मैं परेशान बहुत थी तो आप ये गलत सब कहते हैं कि मियाँ काम आता, मगर मैं कहती हूँ माँ काम आती है। परेशानी हो तो माँ काम आए, कोई मुसीबत हो तो माँ काम आए। मैं अपनी माँ को सलाम करती हूँ, मेरी माँ मेरे लिए बहुत कुछ है। ख्वाबों में रहती हूँ परियों की रानी, ख्वाबों में रहती हूँ परियों की रानी, सभी ये कहते हैं मैं अपनी माँ की दीवानी हूँ। क्या कह रहे हैं जी, आपके लिए एक गिफ्ट हैम्पर है जो आपके साथ जाएगा और जिस तरह आपने माँ से मोहब्बत का इजहार किया शायद ऐसी ही कैफियत हमारी भी है। जी क्या नाम है आपका? अनम। अनम क्या कहेंगी अपनी माँ के बारे में? जी मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, मेरी माँ हर मुश्किल काम में मेरे काम आई है, लेकिन मैं एक थोड़ी सी बात कि मेरी सास जो है वो मेरी माँ से बढ़कर है। लीजिए
क्या कहने। अब कमाल ये है कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि सास ऐसा रिश्ता है जिससे कहीं ना कहीं शिकायत रहती है, लेकिन इस हमारी बहन ने कहा कि सास भी माओं की तरह है, वैसा ही प्यार। जनाब क्या खूबसूरत बात है, आपके साथ ये गिफ्ट हैंपर जाएगा हबीब ऑयल मिल्स का। थैंक यू वेरी मच। जी बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफात। मोहम्मद शफात, ये बताइए मोहम्मद शफात कि आप अपनी अम्मी के लिए क्या कहेंगे? भाई क्या कहने, बच्चा कहता है मैं मामा के लिए बहुत कुछ करूंगा। आप हमारे साथ थे, एक गिफ्ट हैंपर आपके लिए भी है, ये आपके साथ जाएगा। थैंक यू वेरी मच बेटा। जी खवातीन आज़ाद, एक दफ़ा आपकी जानिब से भरपूर क्लैप चाहिए मुझे। पाकिस्तान टेलीविजन कराची सेंटर की जानिब से रमज़ान ट्रांसमिशन का एक ऐलान हम कर चुके हैं। आप सबको भी दावत है कि आप सहर अफ्तार में हमारे साथ हो सकते हैं। सेलिब्रिटीज से मुलाकात होगी, बेशबहा इनामात होंगे और साथ ही साथ आज हम यहाँ माँ तुझे सलाम के उन्वान से कटे हैं। लेकिन मैंने आपसे पूछा है कि पाकिस्तान टेलीविजन कराची सेंटर से जो ट्रांसमिशन हो रही है उसका नाम क्या है, आप बताएंगे मुझे क्या नाम है? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस वक्त अपनी माँ से मोहब्बत करने का इजहार कर रहे हैं, लेकिन याद रहे माँ जिस तरह अभी एक बहन ने बताया सास भी माँ होती है, वो आपकी हकीकी माँ वो भी माँ है, लेकिन एक माँ और है जिसे आप कहते हैं धरती माँ, आपकी ज़मीन जिससे आपको मोहब्बत है। है पाकिस्तान से मोहब्बत? और अगर पाकिस्तान से मोहब्बत है तो अपने जिगर के लहू से सींचे हुए इस पाकिस्तान के नाम को पेश नज़र रखते हुए अपनी नशिस्तों से खड़े होकर हम पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ेंगे। पाकिस्तान का कौमी तराना। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, मॉल में चारों तरफ लोग ही लोग हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे माँ के लिए अगर कोई दिन मखसूस है तो उस दिन को इस तरह मनाया जा रहा है कि लोग अपनी माँओं को लेकर आए हैं और वो जेस्चर दे रहे हैं कि वो उनकी बहुत केयर करते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन ने एक खसूसी प्रोग्राम तैयार किया माँ के लिए, माँ तुझे सलाम। और आज इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से, हमारे साथ एक मौजूद है सलाम। क्या नाम है आपका? कोमल। आप यकीनी तौर पर अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करती होंगी, लेकिन ये बताएं कि माँ को आप कहती क्या है, मम्मी, मामा, माँ, क्या कहती हैं? कभी अम्मी कहती हूँ, कभी मामा कहती हूँ। इस तरह से दो लफ्जों का इस्तेमाल करने की क्या वजह है? कहीं प्यार ज़्यादा आता है तो मम्मी कहती हैं, क्या होता है? हाँ, कभी बहुत ज़्यादा मामा मेरे लिए कुछ अच्छा करते तो मैं अम्मी कह के कहती हूँ, और ऐसे कोई भी बातें मनवानी होती है तो मामा। अच्छा, बात मनवानी हो तो मामा, लेकिन अगर दो बातें मनवानी हो तो मामा मामा ऐसे भी होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, बस वो मान जाती है कि बार बार। आप मुझे ये बताइए कि वो कौन सी ऐसी बात है जिसको सामने रखते हुए आप ये समझती हैं कि आपकी माँ जैसा दुनिया में कोई नहीं?
जितना उन्होंने मुझे आज तक रेस किया है और मेरे लिए इतना कुछ किया है, मतलब मैं एक स्पॉइल्ड चाइल्ड हूँ. मतलब उन्होंने मुझे हर चीज़ करके दिए, हर चीज़ हाथों में दिए, तो मुझे लगता है कि उनसे बेहतरीन माँ कोई नहीं हो सकती. क्या कहने, आज आपको पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन ये मौका दे रही है कि आप अपने जज्बात को महफूज बना लें. क्या कहेंगी अपनी माँ से, कैसे मोहब्बत का इजहार करेंगी? बस मैं ये चाहती हूँ कि वह हमेशा उनका साया मेरे सर पर सलामत रहे और हमेशा मेरे साथ रहें और हमारा प्यार ऐसे ही बरकरार रहे. क्या बात है जी, बिल्कुल हम ये कहेंगे कि आपका जो है अम्मा का साया आपके सर पे हमेशा सलामत रहे और बहुत सारी दुआएं आपके लिए और आपकी अम्मा के लिए. और हम मजीद लोगों से भी बात करेंगे PTV का खसूसी प्रोग्राम माँ तुझे सलाम. और आज हम माओं को सलाम पेश कर रहे हैं और खराज तहसीन और खराज अकीदत, खराज तहसीन उन माओं को कि जो हमारे सरों पे सलामत हैं और खराज अकीदत उन माओं के लिए कि जो हमें दागे मफारकत दे गई लेकिन बहरहाल उनकी दुआएं और उनकी सरपरस्ती आज भी हमारे साथ है. हमारे साथ एक और यहाँ पर दोस्त मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. क्या नाम, क्या है आपका? रहीम अजीम नाम है सर मेरा. रहीम अजीम, ये बताइए आप अपनी माँ से किस तरह प्यार का इजहार करते हैं? माँ से तो मतलब मैं रोज़ाना आके जो है ना उनसे गले रखता हूँ, उनसे मतलब ऑफिस से आने के बाद उनके मतलब साथ बैठ के टाइम गुजारता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ और वो भी बहुत सारी दुआएं देती हैं ऑफिस जाते वक्त और फिर आने पे इंतज़ार करती हैं, फिर खाना हम साथ खाते हैं. तो ये हमारे मतलब शेयरिंग होती है, मोहब्बत हम इस तरह से एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. अम्मा के लिए बहुत सारी दुआएं और उनका साया आपके सर पे सलामत रहे, बहुत शुक्रिया जी. और हम मौजूद हैं इस वक्त बात करने के लिए माँ के हवाले से, माँ तुझे सलाम पाकिस्तान टेलीविजन का खुसूसी प्रोग्राम. और यहाँ पर हमने देखा कि बहुत अजब किस्म का शौक़ व ज़ौक पाया गया. सब लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान टेलीविजन कराची सेंटर की मेगा 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 ट्रांसमिशन में वो शामिल हो जाए. वो ट्रांसमिशन है रमज़ान ट्रांसमिशन, जिसका नाम है रमज़ान पाकिस्तान. हमने आपको टेलीफोन नंबर्स भी स्क्रीन पर बता दिए कि अगर आप चाहें तो इस पर राबिता करके अपने पासेस कलेक्ट कर सकते हैं. आप सहर में और अफ्तार में दोनों में आ सकते हैं और हम तमाम ऑडियंस को वेलकम करेंगे. हमारे पास ये नंबर्स ना सिर्फ रमज़ान से पहले बल्कि रमज़ान के दरमियान में भी चलते रहेंगे, अगर आप चाहें तो राबिता कर सकते हैं. एक और हमारी साथी हमारे साथ हैं जी, क्या नाम है आपका? माय नेम इज तूबा. तूबा, ये बताइए मदर्स डे मनाया जाता है लेकिन आप क्या कहेंगी, क्या एक दिन माँ के लिए मखसूस करना काफ़ी है या ये साल के 365 दिन ही माँ को दे देनी चाहिए? ऑफ कोर्स साल के 365 दिन ही माँ का दिन मनाया जाना चाहिए, लेकिन बेसिकली होता यह है कि एक दिन हम इसीलिए मखसूस कर देते हैं ताकि हम जो कुछ पूरा साल नहीं कर सकते अपनी माँ के लिए, उनको स्पेशल फील करवाने के लिए. बेसिकली ये वो फीलिंग है जो कि हम माँ को देते हैं कि वो ऐसे स्पेशल फील करें. और वैसे भी हम पाकिस्तानी अवाम थोड़ा अपने कामों में इतने मसरूफ़ रहते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा दिन हम ऐसा एक दिन निकालते हैं अपनी माँ को देने के लिए. तो इसीलिए इट इज़ बेटर कि हम सेलिब्रेट करते हैं एक दिन अपनी माँ के साथ, उनको स्पेशल फील करवाने के लिए, उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट बिखेरने के लिए. मेरे ख्याल से वो माँ की अजमत को सलाम देने के लिए तो काफ़ी नहीं है, बट फिर भी एटलीस्ट हम कुछ तो करते हैं उनको स्पेशल फील करवाने के लिए. आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा और मोहब्बतें हैं तमाम माओं के लिए, आपकी अम्मा के लिए भी, आपके लिए भी बहुत सारी मोहब्बत. और हमारी जानिब से एक गिफ्ट हैंपर आपके साथ जाएगा, ये लीजिए. फिक्र में बच्चों के इस तरह घुल जाती है माँ, नौजवान होते हुए भी बूढ़ी नजर आती है माँ. प्यार कहते हैं किसे, ममता क्या चीज़ है, कोई जाकर पूछे उनसे जिनकी मर जाती है माँ. जी हाँ, ये वो रिश्ता है कि जो जब आपके हमरा ना हो तो एक अजीब कैफियत हो जाती है, उदासी हो जाती है. लेकिन आज हम इस रिश्ते को लेकर के मोहब्बत की अलामत के तौर पर मैसेजेस ले रहे हैं और मॉल में यहाँ हमारे साथ एक खातून मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मिसेस अस्मा. मिसेस अस्मा, ये बताइए आप खुद भी एक माँ हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल एक माँ हूँ. आप खुद भी एक माँ हैं लेकिन अपनी माँ के लिए क्या कहेंगी, क्या आपकी माँ ज़्यादा बेहतर माँ थी या आप अच्छी माँ हैं? मैं ये कहूँगी कि मेरी माँ जो है वो ज़्यादा अच्छी माँ रही हैं अभी, क्योंकि मुझे तो माँ बने हुए कुछ ही साल हुए हैं और इस साल में मुझे अंदाज़ा हुआ है कि ये जिम्मेदारी जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है और जिसको बहुत अच्छे तरीके से मेरी माँ ने जो है निभाया है. अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि एक माँ की बेटी जब खुद माँ बनती है तो क्या ये बात दुरुस्त है कि उसके लिए पहला आइडियल उसकी अपनी माँ होती है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसलिए क्योंकि हम अपनी माँ को ही आइडियल बनाते हुए जो है वो
अपनी लाइफ को उसी तरीके से गुजार रहे होते हैं कि किस मुश्किलात से जिस तरह उन्होंने फेस किया है, तो वही चीज़ों को हम वही टिप्स यूज़ करते हुए उनसे टिप्स लेते हुए जो है हम अपनी लाइफ को अच्छी बनाने की। आपकी माँ हयात है? हाँ बिल्कुल हयात। क्या कहेंगी, स्क्रीन आपके सामने है, पीटीवी ने आपको मौका दिया, आप अपनी अम्मा के लिए क्या मोहब्बत का एक जुमला कहेंगी? अम्मी आप हमारे लिए जो है सुपर मॉम है, अल्लाह ताला हमारा आपका साया हम पे ऐसे ही कायम रखे इंशाल्लाह, इलाही आमीन। सबकी माओं का साया इंशाल्लाह उनके सर पर कायम रहे, और जिनकी माएँ रूठ चुकी हैं ज़िंदगी से, यकीनी तौर पर वो अपनी माओं को आज मिस कर रहे होंगे। और आपके साथ ये एक तोहफा जाएगा, और ये बहुत शुक्रिया माँ तुझे सलाम। जी हाँ, हम माओं को सलाम पेश कर रहे हैं, और ये इसलिए है कि माओं का कर्ज उतारा नहीं जा सकता, इतना बड़ा कर्ज है माँ की मोहब्बत का कि हम उतार नहीं सकते, लेकिन अपनी मोहब्बत का इजहार तो कर सकते हैं, और यही इजहार किया जा रहा है मुख्तलिफ दोस्तों की जानिब। एक दोस्त और हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी वालेकुम सलाम, मेराज हुसैन। मेराज हुसैन, आप खुद साहिब औलाद हैं, अल्लाह ताला ने आपको औलाद अता की, क्या कहते हैं कि जब तक आपके बच्चे नहीं थे उससे पहले तक माँ के लिए आपकी मोहब्बत का कुछ और आलम था और बाद में कुछ और हो गया, क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए जब हम खुद छोटे होते हैं तो उस वक्त हमें एहसास नहीं होता कि माँ क्या चीज़ है, कितनी तकलीफ़ें वो बर्दाश्त करती है और कितनी मुश्किल से वो परवरिश करती है। बचपन से जब आप चल नहीं सकते और उस स्टेज से लेके अब इस स्टेज में जब इंसान खुद साहिब औलाद हो जाता है, तो जब मेरा बेटा हुआ, इनका नाम माशाल्लाह मोहम्मद अली है, तो इनकी पैदाइश के बाद मुझे पहली दफ़ा वाकई सही मायनों में एहसास हुआ कि माँ क्या चीज़। बिलाशुबा ऐसा ही होता है कि पहली मरतबा फिर एहसास होता है जब आप साहिब औलाद होते हैं। इस वक्त इस स्क्रीन के ज़रिए एक जुमले में अपनी माँ के लिए मोहब्बत का इजहार कैसे करेंगे? बहरहाल इसमें तो खैर माँ के लिए कोई अल्फाज ही नहीं है, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस वक्त मेरी वालदा अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, उनकी एज है, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि माँ आपने जो कुछ किया सारी ज़िंदगी हमारे लिए, मेरे लिए और भाई के लिए, अपने बच्चों के लिए, उसका हम सारी ज़िंदगी कर्ज़ कभी नहीं अदा कर सकते। ये कर्ज़ नहीं उतारा जा सकता, लेकिन मोहब्बत का ये एक जेस्चर है जो आपके साथ जाएगा, ये एक गिफ्ट हैम्पर है जो आपके साथ जाएगा, और ये जो बच्चे हैं इन तक भी ये पहुँचे पैगाम। जी नाज़रीन मौजूद हैं हम, मोहब्बतों का सिलसिला जारी है, और माँ के लिए मोहब्बत का इजहार कैसे मुमकिन है कि कोई जुमलों में कर सके? माँ इस्तारा है मोहब्बत का, माँ तुझे सलाम। ये वो माँ है कि जो अपने लिए गीली सतह को पसंद करती है और सूखा बिस्तर पेश करती है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए रातों की नींदें कुर्बान करती है, ये मोहब्बत का इस्तारा है। आज हम यहाँ मौजूद हैं, और लकी वन मॉल चूँकि अपनी हैसियत में एक बहुत नुदरत आमेज़ और बहुत डिफरेंट और बहुत ही कमाल का मॉल है, और इस मॉल में हम मौजूद हैं, और हमारे साथ मॉल के ओनर जनाब सुहेल तबा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल तबा साहब, हम यहाँ मौजूद हैं, मॉल में आए हुए जितने भी अफराद थे हम उनसे बात कर रहे थे कि ये कैसे अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार करते हैं। आपकी वालिदा हयात हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं जी। क्या कहेंगे अपनी अम्मा के लिए, कैसा प्यार है आपका और आपकी अम्मा का? बहुत ज़्यादा अच्छा है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज जो कामयाबियाँ हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी माँ की दुआओं से है, और अल्लाह ने भी कहा है कि अगर आपने माँ को पा लिया, माँ की खिदमत की, तो जन्नत माँ की कदमों के नीचे है जी। क्या अच्छी बात कही है कि ये कामयाबियाँ, ये इज्जत, ये नाम तुमसे है, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। आपके साथ आपकी मिसेज मौजूद हैं, और आपका मुझे मालूम हुआ, अभी इन्होंने बताया, आपकी मदर हयात नहीं है। वो तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं जिनकी मदर हयात नहीं है, वो यकीनन ये सोच रहे होंगे कि जब माँ नहीं होती तो कैसी मिसिंग होती है, क्या कहेंगी आप अपनी अम्मा के लिए? बिल्कुल, जब माँ नहीं होती तो पता चलता है कि हर पल हम उनको किस तरह मिस करते हैं। जिनकी माँ उनके साथ नहीं है, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और जिनकी माँ उनके साथ हैं बस आप उनको बहुत ज़्यादा इंजॉय करें अपनी माँओं को, और उनके फरमा बरदार रहिए। क्या बात है, माँओं के फरमा बरदार रहिए, इसलिए कि कहा गया कि माँ के कदमों तले जन्नत है। इससे बढ़कर कोई और इस्तारा नहीं हो सकता था कि माँ की अजमत को बयान किया जा सकता। पाकिस्तान टेलीविजन ने ये खसूसी प्रोग्राम तैयार किया है माँ तुझे सलाम, हम आपकी वालिदा को सलाम पेश करते हैं, और ये कुछ गिफ्ट हैंपर्स हैं जो आपके हमरा जाएंगे। बुलंदियों का
बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया माँ ने जब गोद में तब आसमान छुआ। माँ तुझे सलाम। इस वक्त हम मौजूद हैं, मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे हैं और उनकी माँओं के लिए उनकी मोहब्बत का इजहार भी सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है जी आपका? रिमला नवीद। रिमला नवीद, ये बताइए कि आप अपनी माँ को जब बुलाती हैं तो क्या कहती हैं? मम्मी कहती हैं, मामा कहती हैं, क्या कहती हैं? मम्मा कहती हैं। मामा कहती हैं। अपनी मामा के लिए मोहब्बत के लिए एक लाइन कहें आप तो इस स्क्रीन के जरिए, पीटीवी के जरिए वो मोहब्बत उन तक पहुंच जाएगी, क्या कहेंगी? मैं कहूंगी कि मेरी मम्मा मेरी पहचान है, वो है तो मैं हूँ। जब मैं खुद माँ बनी तो फिर मुझे पता चला कि जो है माँ कैसी है। बहुत खूबसूरत बात कही कि जब ये खुद माँ बनी तो इन्हें एहसास हुआ कि माँ दरअसल किस शय का नाम है। आपकी माँ के लिए आपके लिए बहुत सारी मोहब्बत है और आपके साथ ये गिफ्ट हैम्पर जाएगा। माँ तुझे सलाम। और माँओं को सलाम पेश करते हैं, मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं मॉल में और हमारे साथ मौजूद हैं दुबाश साहब, हमारे साथ मौजूद हैं मीना और उसके साथ इफ्ती मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप अपनी माँ के लिए और आज के इस दिन के हवाले से? हैप्पी मदर्स डे टू माई मॉम एंड टू ऑल द मदर्स आउट देयर, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। क्या कहने, और तमाम माओं को सलाम पेश करते हैं क्योंकि हम कह रहे हैं माँ तुझे सलाम। आपके लिए कुछ तहाइफ हैं, वो आपके साथ जाएंगे। खुदा ने ये सिफत हर औरत को बख्शी है कि वो पागल हो भी जाए तो याद औलाद रहती है। माँ ऐसा रिश्ता कि जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है, अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का इस्तारा बनाकर माँ को ज़मीन पर भेजा, माँ के कदमों तले जन्नत रख छोड़ी। हमारी माएँ आपकी माएँ साझी माएँ हैं, सबके लिए मोहब्बत और अकीदत और तहसीन। हम पीटीवी के इस खुसूसी प्रोग्राम माँ तुझे सलाम से आपसे रुख्सत चाहेंगे, लेकिन याद रहे कि ये रुख्सती इस मोहब्बत से नहीं, ये रिश्ता कायम रहेगा माओं के साथ। माँ तुझे सलाम। तेरी उंगली थाम के मेरा बचपन है चला, कहूँ मैं और क्या, माँ तेरा शुक्रिया, मेरा हर पल हर लम्हा तेरे आंचल में पला, कहूँ मैं और क्या, माँ तेरा शुक्रिया।